गाइस, अब मूवीज पर भी ओमिक्रॉन का असर देखने को मिलने लगा है और अब मूवी भी डिले होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला नाम तो आरआरआर मूवी का आता है जो एक इंडियन मूवी है, पर हम लोग जिस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहे थे उस मूवी को भी डिले कर दिया गया है और उस मूवी का नाम है मॉर्बियस। जी हाँ, अब मॉर्बियस अपने पुराने वाले रिलीज डेट पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए एक न्यू रिलीज डेट को सेट किया गया है, जिसे मैं इस वीडियो में बताऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप चाहो तो इस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मॉर्बियस मूवी कब रिलीज होने वाला था। तो भाई, इसे रिलीज इसी मंथ में होना था और डेट 28 जनवरी का था, जो आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन अब इस मूवी को 3 मंथ के लिए और डिले कर दिया गया है और अब ये मूवी US के थिएटर में 1 अप्रैल 2022 को लगने वाला है। जी हाँ, 1 अप्रैल को। वैसे ओरिजिनल में इस मूवी को 10 जुलाई 2020 में रिलीज हो जाना चाहिए था, पर कोविड-19 पेंडेमिक का सीजन आया और ये मूवी डिले होते होते जनवरी 2022 में शिफ्ट हुआ था। पर अब कोविड-19 का वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जिस वजह से फिर से इस मूवी को डिले कर दिया गया है और ये रिपोर्ट ऑफिशियल है, जिसे आप विकिपीडिया पर भी देख सकते हो। और इवन इस न्यूज़ को द हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने भी कवर किया है, जिस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सर अपकमिंग मूवी डिले हो जाएगा या फिर सब अपने अपने रिलीज डेट पर रिलीज होगा? तो भाई, अब सिचुएशन हाथों से फिर से निकल रहा है, तो हो सकता है कुछ मूवी फ्यूचर में भी डिले हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा नाम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का आता है, क्योंकि इस मूवी का जितना हाइप है, इस हिसाब से ये नो वे होम का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगा। तो ऐसे में स्टूडियो तो इसे यूं ही रिलीज़ नहीं करने वाला। वैसे एक और बात की, मॉर्बियस का रन टाइम भी कन्फर्म हो चुका है, जो है 1 आवर 48 मिनट्स का। मतलब ये मूवी बस कुछ ही मिनट्स ज़्यादा है वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी से। तो अब सोनी छोटे छोटे स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है, जिसमें ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर मॉर्बियस किस यूनिवर्स का है, क्योंकि इस मूवी में वेनम के भी रेफरेंसेस हैं और स्पाइडरमैन के भी। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मॉर्बियस आखिर किस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से है और इसमें मल्टीवर्स ऐसे स्टूडियो को दिखाया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अगर मूवी में दिखाया जाए तो मूवी सुपर डुपर हिट ही होगी, पर इस मूवी में इसके ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। खैर, तो वेट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।